तो गाइस आज हमारे पास है इस गेम के मशहूर कैरेक्टर और मशहूर सीरीज स्ट्रीट फाइटर। तो भाई साहब स्ट्रीट फाइटर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आज हम लोग आपको उन सभी कैरेक्टर के साथ खेल के दिखाने वाले हैं एंड बताने वाले हैं कि भाई स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स एक्चुअल में हैं कैसे, उनका गेम प्ले कैसा है, उनका डैमेज कैसा है, उनका लुक कैसा है, उनका रुतबा, उनका गुरूर कैसा है, भाई साहब कुल मिला के जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं कैसे, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग खेल रहे हैं एम्बिशन के पास, एम्बिशन के साथ मतलब। एंड देखो यार एम्बिशन एक बहुत ही तगड़ा विलेन है सीरीज़ में और ये सभी स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स को अकेले हैंडल कर लेता है जब भी इनकी फाइट होती है। एंड आपको ये जानकर बिल्कुल भी मतलब यार शौक नहीं लगा कि इसका डैमेज जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है। स्ट्रीट फाइटर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी में से डैमेज इसका सबसे ज़्यादा है। बस एक ही इशू है कि इसकी सारी जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो सब स्ट्राइक है और सब ब्लॉकेबल है, आराम से ब्लॉक हो जाती हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई साहब बहुत ही पावरफुल है, सुपर मोड इसका बहुत ही तगड़ा है, आपने अभी देखा। और एक ब्रेकर सुपर मोड में मिलता है, उसका डैमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो कुल मिला के कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम है स्ट्रीट फाइटर का है। और भाई साहब ओए होए होए लुक की देखो यार, क्या ही बात है यार, एकदम अपने उसके जैसा लगता है जो अपना एवेंजर में नहीं रहता है, वो वैसा ही एकदम है। नाम नहीं मेरे को याद है, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप आइटम है एकदम, पर भाई बढ़िया है। तो यार ये बहुत ही तगड़ा विलेन है, सबको हैंडल कर लेता है। तो अभी अपन बात करने वाले हैं उसके बाद सबसे तगड़ी हीरो या फिर कह लो कि अपना रेंजर की जो कि है स्ट्रीट फाइटर से, वो है चुन ली रेंजर। भाई साहब इस रेंजर का पूरी दुनिया फ़ैन है, जितने भी स्ट्रीट फाइटर के दीवाने हैं या फिर जितने भी अपने पावर रेंजर लैक्सी वार के खिलाड़ी रेंजर्स हैं वो सब इस रेंजर के फ़ैन है भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा ओपी कैरेक्टर है ये, इतने ज़्यादा अच्छे मूव्स हैं। डैमेज की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कम है, बट भाई मूव्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ओपी है। हर मूव के बाद फायर डैमेज, ये देखो ब्रेकर के बाद फायर डैमेज नहीं है, बस ये दिक्कत है। लेकिन अगर सुपर मोड में आप ब्रेकर मारते हो तब उसके बाद आपको फायर डैमेज देखने के लिए मिलेगा। एंड वैसे अगर स्ट्राइक आप कोई मारते हो, तीन वाले स्ट्राइक मारते हो उसमें भी फायर डैमेज है, और एक चार वाला जो तीन वाला जो डिफेंस है उसमें भी फायर डैमेज है। भले ही थोड़ा थोड़ा है फायर डैमेज, तीन तीन सेकेंड का है, बट भाई फायर डैमेज है तो डैमेज सही है, लेकिन थोड़ा सा एम्बिशन के हिसाब से कम है। पर ये कैरेक्टर लिटरली बहुत ज़्यादा ओपी है, फास्ट है, और भाई साहब लुक वाइज तो आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको। एंड लक बाय चांस मेरे पास ये लेवल 3 है और अपग्रेड है बहुत ज़्यादा, और मैं इसी के साथ जो है पीवीपी रैंक्स खेलता हूं। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा। अब आप लोग इसका कॉम्बो देख रहे हो एकदम, भाई साहब ये लो सुपर मोड। एंड अब इसकी किक्स देखो कितनी पड़ती हैं, पहले इसकी किक्स जो है 50 तक जाती थी, लेकिन आफ्टर अपडेट जो है सुपर मोड के बाद जितने भी आपने हिट किए होंगे वो सब रिमूव हो जाते हैं, देन यार वो किक्स काउंट नहीं होती हैं। तो उसके बाद जो है हमारे आती है कैमी, कैमी भी स्ट्रीट फाइटर है से है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है। स्ट्रीट फाइटर के रेंजर्स में सबसे ज़्यादा यार ये मुझे लगता है कि स्ट्राइक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट भाई लिटरली स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेकर कम होते हैं। यहाँ इसके पास भी यार तीन स्ट्राइक है और सिर्फ एक ब्रेकर है, नो डाउट कि स्ट्राइक डैमेज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वाले रेंजर जितने भी हैं स्ट्रीट फाइटर के या फिर बाकी के जितने भी गेम में रेंजर है उसमें सबसे मतलब तगड़ा जो जिसका डैमेज एम्बिशन के बाद है वो है चुन ली कैमी का। तो काफ़ी बढ़िया है, फुल रेंज स्ट्राइक है, बस यही है यार स्ट्राइक है तो ब्लॉकेबल हो जाती हैं। बाकी देखो अपग्रेड करोगे आप अगर डिफेंस के साथ खेलोगे तो बहुत सही जाता है। अगर सीरीज़ की मैं बात करूँ तो सीरीज़ में ये भाई साहब पाँचवें नंबर पे आती है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, ठीक है, तो बहुत सही जाता है। अब आप देखो इसका सुपर बूम, क्या बात है, बहुत सही मारिस भाई, बहुत बढ़िया। ओह शिट, तो यार ये इसका फास्ट वाला स्ट्राइक देखा आपने कितना खतरनाक था। तो अब बारी है एक और चुन ली की। देखो यार चुन ली के दो कैरेक्टर्स हैं, एक है अनमफर्ड वाली और एक है मफर्ड वाली। ये चुन ली रिप्रेजेंट करती है स्ट्रीट फाइटर की सीरीज़ को, और जो मफर्ड वाली चुन ली रेंजर है वो रिप्रेजेंट करती है पावर रेंजर्स को। तो यार देखो ये अभी जब इनका अभी नहीं मतलब चार साल पाँच साल जितने भी टाइम पहले इनका जो है कोलैबोरेशन हुआ था, तो ये जो जितने भी स्ट्रीट फाइटर हैं ये मफर्ड करे थे अपना पावर रेंजर्स में, तो इसकी वजह से वो मफर्ड वाली हो गई और ये अनमफर्ड वाली हो गई। तो ये जो कैरेक्टर है ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रीट फाइटर के वीडियोस में, गेम प्ले में, सीरीज़ में। तो ये वाला कैरेक्टर जो है बहुत ही ओपी है, मूव्स और उसके और इसके सिमिलर ही हैं, सुपर मोड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, किक्स ये भी मारती है, किक्स वो भी मारती है कुल मिला के। और डैमेज की मैं अगर बात करूँ भाई साहब,
इसका ब्रेकर डैमेज लिटरली बहुत ज़्यादा है। इसकी मूव कॉस्ट के हिसाब से इसमें फायर डैमेज तो हर मूव के बाद नहीं है, इसमें सिर्फ फायर डैमेज दो मूव्स के बाद में है, दो मूव, एक सुपर मोड और एक वैसे नॉर्मली जो मारती है। बट भाई सॉप वो नहीं है सुपर, ओ फायर डैमेज नहीं है, सॉरी मेरे को लगा शायद सुपर मोड में फायर डैमेज है, बट नहीं है गाइस, फायर डैमेज नहीं है। बट भाई साहब इसका सुपर मोड जो है ईपी कॉस्ट नहीं बढ़ता है, अगर आप सुपर मोड यूज़ करोगे तो ईपी कॉस्ट नहीं बढ़ता है, तीन और चार है और तीन और चार ही रहता है डैमेज, लेकिन बढ़ जाता है। तो अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करते हो तो बढ़िया खेलोगे। यहाँ पे मैं हार गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं यार, एक आधा हारना भी अच्छी बात होती है, अपने को कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग लेके आते हैं गैल को। गैल एक पुलिस मैन है भाई साहब, स्ट्रीट फाइटर की सीरीज़ में आपने इसका अगर कैरेक्टर देखा हो कि कैसा है, एक्चुअली मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मैं स्ट्रीट फाइटर की सीरीज़ ज़्यादा देखी नहीं है। बट भाई गैल जो है इस गेम में ओपी गेम प्ले देता था जब ये आया था। इसको तीन से चार बार नर्फ किया गया है, इसका स्ट्राइक, इसका ब्रेकर, इसका सुपर मोड, इसका एबिलिटी, इसकी ईपी कोर्स सबको बढ़ाया गया है। और स्ट्राइक ब्रेकर तो आप देख ही रहे हो डैमेज कितना कम कर दिया गया है जब ये आया था तीन चार साल पहले, या फिर उसके पहले जब भी ये आया था तीन चार साल पहले। तो भाई साहब इसका जो दबदबा था ना गेम में भाई, ये किसी भी कैरेक्टर को बीट कर देता था क्योंकि इसके पास दो डिफेंस है और दो स्ट्राइक है, इसमें एक भी ब्रेकर नहीं है। अगर आप इसका सुपर मोड दबाओगे तो ओपोनेंट जो स्टेबल होने का मौका ही नहीं मिलता है उसको, और वो ब्लॉक नहीं कर पाता। तो अगर आप इसको अच्छे से खेलते हो तो भाई साहब आप इजीली इलाइट कर सकते हो, और ये रेयर है तो आप इसको मैक्स अपग्रेड कर सकते हो। तो रेयर में अगर मैं अच्छे की बात करूँ भाई कि कौन सा रेंजर अच्छा है, तो रेयर में अच्छा है गैल, लेकिन यार सभी के पास है नहीं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये शॉप में आता नहीं है। तो अब बारी है मॉफर्ड वाले रायू रेंजर की। तो देखिए रायू रेंजर वैसे तो लीडर है अपने सीरीज़ में, उसकी स्ट्रीट फाइटर के सीरीज़ में वैसे तो लीडर है, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि लीडर है यार तो इसका डैमेज इतना कम क्यों, लिटरली यार चुनली रेंजर से भी कम डैमेज है इसका। अगर आप लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हो रायू रेंजर की तो भाई मैं बता दूं कि आप मत करना, आप इसके रैंक पुश बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसके स्ट्राइक जो है वो एकदम से यार फंस जाते हैं मारते टाइम ओपोनेंट को। एंड भाई बस इसका एक स्ट्राइक अच्छा है जो कि चार वाला स्कूटर, ये भाई फुल रेंज है, फुल रेंज नहीं भाई मतलब 50% रेंज का है, स्लाइड करके किक पड़ जाती है। एंड एक तो है सुपर मोड का, कोई भी मूव मार लो अच्छा है लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है, और ये ब्रेकर जो है वो स्ट्राइक आउट हो जाता है इजीली। तो भाई कुल मिला के मूव, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप इसको फ़न के लिए अनलॉक करना चाहते हो तो आप इस मतलब करो यार, अच्छी बात है, मैंने भी किया है। बट अगर आप वैसे रैंक पुश वगैरह के लिए कोई स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर चूज़ करना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो भाई ये वाला कैरेक्टर बिल्कुल भी चूज़ मत करना। वैसे ओपी है बट रैंक पुश के लिए कतई बेकार है भाई, एक भी शील्ड नहीं है, सब स्ट्राइक है और सब क्लोज रेंज है, तो भाई आपसे ना हो पाएगा और हमसे भी ना हो पाया। तो वो गेम प्ले में मज़ा नहीं आया था, इसलिए मैंने एक ग्लोबल मैच लिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वाला मैच का जो क्रेडिट है ये हमारे नाइटमेयर सर्वेंट भाई को जाता है, क्योंकि मैच इनका ही है, बाकी जो गेम है वो सब अपना ही है, तो टेंशन की कौनो बात नहीं है गाइस। यहाँ पे देख लो यार ब्लैक डीटी, सॉरी रेड डीटी खेल रहा है, रेड डायनो थंडर का जो रेंजर है ये बहुत ही करेक्टर अच्छा था, मैंने आपको शायद कल की सीरीज़ में बताया था कि ये करेक्टर कितना अच्छा है, और ये बीट कर सकता है इजीली किसी भी करेक्टर को। बट अभी ये नर्फ हो चुका है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उतना ज़्यादा एक्टिव और इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, बट फिर भी आपको एक बढ़िया जो है गेम प्ले देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपके लिए इस बैटल को ऐड किया। देखो यार यहाँ पे कॉम्बोस हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप बना सकते हो रायू रेंजर के साथ, और कैसे कैसे आप बना सकते हो हमारे डीटी रेड रेंजर के साथ। वो क्या सुपर मोड का एबिलिटी है वो भाई साहब, तो मज़ा आ जाती है कुल मिला के एबिलिटी देख के। तो यहाँ पे उसकी 279 एपी कॉस्ट रह जाती है, और अभी वो स्टिल वो चांस ले रहा है कि मैं इसको बीट कर सकता हूँ, तो देख रहे हो आप। लेकिन भाई साहब इसका स्ट्राइक फास्ट है जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो अब बारी है रायु कॉमन वाली यानी कि अनमॉफर्ड वाली। तो भाई अनमॉफर्ड वाला रायु का भी कुछ ज़्यादा क्रेज़ है, इसकी मूव शॉर्ट रेंज है, इसका मूव का डैमेज बहुत कम है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो श्योर है भाई कर सकते हो इसको, ये कॉमन है तो लेवल 13 मैक्स कर सकते हो। लेकिन एक बात है यार इसका मूव जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज है, आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ब्रेकर तो बिल्कुल लिटरली चुनली के भी ज़्यादा शॉर्ट रेंज है, और जो पाँच वाला डिफेंस है ताकि सुपर मोड में और छः वाला स्ट्राइक है वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तभी आप इसको अनलॉक करना, अदरवाइज़ आपको इसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया खेल सकते हो तभी अनलॉक करो, मतलब प्रैक्टिस हो तभी अनलॉक करो यार। तो इस कैरेक्टर मतलब इस सीरीज़ में यार एक और रेंजर आता है जो भी सबसे ज़्यादा बवाल है, जिसका नाम है अकुमा।
यार वो अपने पास नहीं है क्योंकि वो हमने अनलॉक नहीं किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं। और बहुत लोग बोलेंगे यार अकुमा का गेम प्ले कहाँ गया, अकुमा का गेम प्ले कहाँ गया, तो भाई अकुमा नहीं है अनलॉक, इसलिए भाई नहीं अपन दिखा सकते आपको अकुमा का गेम प्ले। और मेरे को ग्लोबल में भी नहीं मिला क्योंकि अकुमा इतना बेकार हो गया है तो कोई अनलॉक नहीं करता है उसको, तो बस उसी चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा उसका भी गेम प्ले लाने की, बट इस सीरीज़ में मैं उसको ऐड नहीं कर पाया क्योंकि ना शॉप में है, ना किसी इवेंट में मैं खेल के दिखा सकता हूं और ना ही ग्लोबल मैच में मिल रहा है। तो यार लास्ट वाले मैच में मैं रायू से हार गया था क्योंकि मेरा जो है लेवल 1 का रायू था और वो इलाइट का बंदा था, आपने अगर देखा हो तो, अगर नहीं देखा तो बैक करके देख लेना। इसलिए मैं अपनी अलायंस में मेंबर के साथ खेल के आपको रायू रेंजर का गेम प्ले दिखा रहा हूँ कि कितना शॉर्ट रेंज मूव है और क्या इसका डैमेज कॉस्ट जाता है और कितना इसका डैमेज है। तो कुल मिला के वो 5 वाला डिफेंस शॉर्ट रेंज है, नो डाउट शॉर्ट रेंज है, देखा आपने, मतलब अगर ओपोनेंट स्वाइप बैक कर दिया तो वो 5 की पिक कॉस्ट गई, उसके बाद आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है कॉम्बो बनाना। तो अगर आप सुपर मोड लो स्वाइप कर दिया, काम खत्म, वो तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा टर्टल करने का क्योंकि भाई साहब ये हमारे मानेंगे नहीं। तो यार वीडियो कैसा लगा बता देना प्लीज़ कमेंट करके, तब तक के लिए मिलते हैं कौन नए वीडियो में, बाय।